सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। क्या बताऊं भाई, मक्के की खेती में खरपतवारों की समस्या ने मुझे परेशान कर दिया है। एक तो मजदूर आसानी से नहीं मिलते, मिलते हैं तो मजदूरी बहुत मांगते हैं। खरपतवारों से निपटने के लिए कई बार स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी खरपतवार नियंत्रित नहीं होते, जिसकी वजह से मक्के की फसल को नुकसान होता है। मैंने अलग अलग खरपतवार नाशी इस्तेमाल किए, कुछ के प्रयोग से तो फसल भी पीली पड़ जाती है, जिससे फसल का विकास सही से नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप उत्पादन कम मिलता है। इससे बचने के लिए अधिक मजदूर लगाकर निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है, इसमें काफी खर्च हो जाता है, लेकिन ये खरपतवार फिर भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होते। फिर मुझे एक दिन PI का एलीट मिला, मैंने एलीट भी प्रयोग किया, पर जब PI के एलीट का प्रभाव देखा तो वाह, मक्के के खेत में खरपतवार ऐसे गायब हुए कि जैसे थे ही नहीं। PI के एलीट ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे समझाया गया कि PI का एलीट काम कैसे करता है। यह बहुत ही आधुनिक HPPD इनहिबिशन तकनीक पर आधारित खरपतवार नाशक है, जो खास कर मक्के की फसल के लिए बना है। PI के एलीट के छिड़काव से खरपतवार में क्लोरोप्लास्ट की क्रियाविधि प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण पत्तियों में उपस्थित हरे क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप खरपतवार के पत्ते पीले और कमजोर पड़ने लगते हैं तथा सूख कर नष्ट हो जाते हैं, जबकि मक्के के पौधों पर उसका कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ता है। PI का एलीट मक्के की सभी मुख्य संकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे सांबा, चिनियारी, मकरा, मंडुआ, गाजर घास, चौलाई, कुंजरू, चिरपोटा, अल्टरनेंथेरा इत्यादि, इन सब को भली भांति नियंत्रित करता है। PI के एलीट का उपयोग खरपतवार की 2 से 5 पत्ती की अवस्था पर ही कर लेना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, PI के एलीट के साथ सोलेरो का प्रयोग अवश्य करें। इसे अपने विक्रेता बंधु से लेना ना भूलें, जो PI द्वारा किसानों को एलीट के साथ मुफ्त में दी जाती है, और इसके प्रयोग से एलीट के कार्य करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिस कारण खरपतवार जल्द से जल्द समाप्त हो जाते हैं और लंबे समय तक इसका प्रभाव भी मिलता है। PI के एलीट के प्रयोग की विधि। एक साफ बाल्टी में 9.5 लीटर पानी लें, इसमें 500 ग्राम सोलेरो डालकर अच्छे से मिला लें। पूर्णता घुलने के बाद अब इसमें 30 ml PI का एलीट डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि वो पूरी तरह से घुल जाए। इस तरह आपका 10 लीटर मुख्य घोल तैयार हो गया है। अब अपने नैपसिक स्प्रे टैंक में 2/3 हिस्सा साफ पानी डाल लें, इसमें 1 लीटर बनाया हुआ घोल डाल लें। अब टैंक को पूरा भर लें और अंत में 30 ml स्टिकर डालकर मिला लें। ऐसे 10 स्प्रे टैंक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेंगे और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। याद रहे, स्प्रे के लिए फ्लैट फैन नोजल का ही इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, स्टिकर को कभी भी मुख्य घोल में ना मिलाएं, इससे घोल फटने की संभावना हो सकती है। छिड़काव करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि मौसम साफ हो, अगले 2-3 घंटे में बारिश की कोई संभावना न हो। आइए जानते हैं कि PI के एलीट का प्रयोग मक्के के किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। PI के एलीट का मक्के के किसी भी प्रजाति एवं किसी भी अवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। PI का एलीट का मक्के के बाद बोई जाने वाली अन्य फसलों पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। PI के एलीट के प्रयोग से मक्के के सभी मुख्य खरपतवार पूर्णतया नियंत्रित हो जाते हैं। PI के एलीट के प्रयोग से बार बार मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती। खरपतवारों की समस्या से मुक्ति मिलने के कारण मक्के के पौधों का समुचित विकास होता है और खेती की लागत काफी कम हो जाती है, उत्पादन भी अधिक मिलता है, और हमें मिलते हैं चमकदार दानों से भरे हुए शानदार भुट्टे, यानी किसानों के लिए मुनाफा ही मुनाफा। आज ही PI का एलीट अपनाएं और मक्के के सभी मुख्य संकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों से मुक्ति पाएं। PI एलीट के प्रयोग संबंधी सावधानियां क्या करें। PI के एलीट के इस्तेमाल से पहले सुरक्षा निर्देश पत्र को ध्यान से पढ़ें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। PI के एलीट की बताई हुई मात्रा का ही इस्तेमाल करें। PI के एलीट का उपयोग खरपतवार की 2 से 5 पत्ती की अवस्था पर ही करें। PI के एलीट के साथ मुफ्त मिले सोलेरो का उपयोग अवश्य करें। बताए गए निर्देश के अनुसार ही घोल बनाएं। फ्लैट फैन नोजल का ही इस्तेमाल करें। PI के एलीट का प्रयोग सिर्फ छिड़काव विधि से ही करें। घोल बनाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। 150 लीटर पानी में बनाया घोल यानी 10 नैपसैक स्प्रे टैंक प्रति एकड़ ही इस्तेमाल करें।
क्या ना करें, स्टीकर को स्टॉक घोल में कभी ना मिलाएं। स्टॉक घोल को ज्यादा समय तक ना रखें। गंदा पानी प्रयोग ना करें। मक्के के अतिरिक्त किसी और फसल पर प्रयोग ना करें। अगर 2 से 3 घंटे में बारिश की आशंका हो तो इसका प्रयोग ना करें। आसमान साफ ना होने पर इसका प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, PI के एलीट का प्रयोग करो और मक्के की फसल में खरपतवार संबंधी समस्याओं के आगे झुको मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पिकहट इंडिया चैनल को।